हाँ बिल्कुल, योगीराज में बिल्कुल सुरक्षित है। हम लोग रोज अच्छा खाने पाते थे, तो लॉकडाउन हुआ तो हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा खाने के लिए मिला। सरकार की अगर हम बात करें, कुछ नहीं बता सकते, घूमने का स्थान नहीं, दर्शन का स्थान है यहाँ पर। मिर्जापुर में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, उनकी वही सरकार अभी बीजेपी की है। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? घर से। उसमें सरकार का कोई दोस्त नहीं, वही ना, तो लॉकडाउन में हमने वाइफ को खाना बनाना सिखाया। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं कृष्ण और राधा के प्रेम के किस्सों से भरपूर स्थली कहे जाने वाले वृंदावन में। रात का समय हो रहा है और रात्रकालीन भोजन का समय हो चुका है। इस वक्त हम यहाँ के वृंदावन के एक लोकल होटल पे हैं जो रास बिहारी मंदिर के करीब ही है। यहाँ पर कुछ दर्शनार्थी, कुछ श्री कृष्ण राधा के आनंद भक्त मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे ब्रज की महत्ता के बारे में, और ये भी बात करेंगे कि श्री कृष्ण और राधा से जुड़े ही कथानकों की जो स्थली है वृंदावन है, जो तुलसियों के वन के नाम से जाना जाता है, वृंदा मतलब तुलसी होता है, तो उसका क्या महत्व है, क्या पौराणिक ऐतिहासिक आध्यात्मिक महत्व है, उस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग से हम बात करना चाहेंगे, कोई समस्या तो नहीं होगी? कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? घर से, मतलब मिर्जापुर से। यूपी से ही हैं? यूपी से हैं। पहली बार आए हैं या फिर आते जाते रहते? आते जाते लगे रहते हैं। कैसा लगता है ये कृष्ण और राधा की प्रेम स्थली वृंदावन जो है? अरे बेहतरीन लगती है, मार गोपी, मतलब बहुत से दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, हमको देख के बहुत अच्छा लगता है। और कौन कौन सी जगह है यहाँ पर जो घूमी जा सकती है? घूमने का स्थान नहीं, दर्शन का स्थान है यहाँ पर, मतलब वही दर्शन का स्थान है, आध्यात्मिक स्थल है। तो कौन सी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ यहाँ पर महसूस की जाती हैं? यहाँ पास में स्थल है मदन मोहन का मंदिर है जी, इसके पीछे आप चले जाएंगे बांके बिहारी यहाँ के नामी है, और राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर है जी, प्रेम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, यही सब आगे आइए। यूपी का तो चुनाव होने वाला है, यूपी का भोपाल टाइट लग रहा है इस टाइम पे, तो किसकी पासे की तरफ जो, तो किसकी बिसात मतलब भारी पड़ रही, योगी की या अखिलेश की? योगी की पूरी तरीके से, ऑब्वियस बात है। और इसके पहले जो अखिलेश की सरकार रही और जो वर्तमान की योगी की सरकार है, तो कितना तुलनात्मक तौर पर कितना अधिक कम हो रहा है ये मामला? नियमों के हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ ही बेहतर, अगर बेस्ट है। नंबर देने की बात हो, कितने नंबर देंगे 10 में योगी को? हम अपने हिसाब से तो 7-8 दे सकते हैं। और अखिलेश की पिछली सरकार की अगर हम बात करें? कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, वो भूल चुका है, वो जमाना वो पास्ट हो गया जी, वो जमाना हो गया। हाँ। इस बार योगी की बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। कौन सी चीज अच्छी लगी योगी की आपको, सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी? सारी चीजें उनकी अच्छी हैं। नहीं मतलब कुछ गुंडागर्दी कम करवा रहे हैं वहाँ, विशेष तौर पर बताना चाहेंगे, वहाँ गुंडागर्दी कम करवा रहे हैं, वहाँ लोगों को सेफ फील हो ऐसा माहौल बना रहे हैं वहाँ। चलिए बहुत बढ़िया। अभी सुरक्षा की बात की गई, यहाँ पे एक महिला है, एक महिला होकर के क्या यूपी में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर पा रही है? हाँ बिल्कुल, योगीराज में बिल्कुल सुरक्षित है। और इससे पहले? इसके पहले पहले का बीत गया। अच्छा, पहले का बीत गया, अब जो है तो बेहतर है। और इसे और बेहतर बनाने के लिए आप लोग योगी आदित्यनाथ को ही चुनना चाहेंगे? और देश में मोदी की सरकार जो लॉकडाउन रहा पिछले एक साल से, तो वो कैसा दौर रहा एक गृहिणी के तौर पर, चूंकि गृहिणी ही घर चलाती है पूरा का पूरा, तो कितना संकट रहा, कितना संघर्ष? वो एक महामारी थी, सब लोगों ने उसको फेस किया जी, तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं था। नहीं मतलब एक महिला के तौर पर हम जानना चाहते हैं कि कितना संघर्ष आपने झेला जो है, तो क्या दौर रहा, कितना कठिन था वो? अच्छा था, सब बढ़िया था, जो था वो बीत गया। अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलता था हम लोग को जी, हम लोग रोज अच्छा खा नहीं पाते थे, तो लॉकडाउन हुआ तो हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा खाने के लिए मिला, तो दिक्कत तो हम लोग उनको कुछ हुई ही नहीं। अच्छा, आप लोगों को नहीं हुई लेकिन बनाने वालों को तो हो सकती है थोड़ा बहुत, क्यों होगी, हम लोग भी हेल्प कराते थे। अच्छा, आप लोग भी हेल्प कराते और क्या, तो हम लोगों की भी हेल्प होती जी। तो ये चीज एक अच्छी हुई लॉकडाउन की वजह से कि दोनों लोग खाना बनाना, नया एक्सपीरियंस मिला। ये लॉकडाउन में हमारी वाइफ खाना बनाना सीख गई जी, तो हमको भी अब छुटकारा भी मिल गया। क्यों अभी तक आप बना देते? वही ना, तो लॉकडाउन में हमने वाइफ को खाना बनाना सिखा दिया। आपके साथ तो बड़ा संकट था, बड़ी ज्यादती हो रही थी आपके साथ? ज्यादती तो नहीं हो रही थी, मजा आता था। नहीं अब ये तो आप पब्लिक के सामने बोल रहे हैं कि मजा आता था, वो मजा तो जो तो सजा थी, ये भी असलियत है। लगता है कहीं से होकर आए आप, ऐसा तो नहीं शादी उदी हो गई आपकी? नहीं शादी तो हमारी नहीं हुई, लेकिन आपके कष्ट से वाकिफ है और पूरी संवेदना
जाहिर करते हैं आपके लिए, यार ये एक बेहतर समय रहा कि आपकी वाइफ भी खाना बनाना सीखे। वाह, बनाना नहीं आता क्योंकि नई नई शादी कर ली है, तो अब आके घर में बनाने लगे, पहले उनकी मम्मी उनको खिलाती थी। चलिए, आपके अनुभव बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप भी मिर्जापुर से ही हैं, सारे लोग एक ही परिवार के हैं, मिर्जापुर में किसका असर तेज दिख रहा है? ये तो योगी की बात हो गई, ये पूरे यूपी की बात हो गई, अगर मिर्जापुर में बात करें। मिर्जापुर में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, उनकी वही सरकार अभी बीजेपी की है, तो मतलब पूरे तरीके संतुष्ट देख सकते हैं अगले आगामी चुनाव में, क्लियर है पूरी योगी सरकार। मिर्जापुर का तो पता है, ये वहाँ बीजेपी सरकार जहाँ तक बनेगी कि वहाँ का माहौल इस तरह क्रिएट हुआ है, मिर्जापुर सरकार बनेगी। फिलहाल में मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम भी है, वो काफी इस समय बन रहा है, तैयारी लग गई है उसके। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ आए थे, अमित शाह। यहाँ पर आप लोग अगर मथुरा और गोकुल की तरफ घूमने के लिए गए हैं क्या अभी? फिलहाल अभी नहीं है, अभी आज आए हुए हैं, अभी हम लोग जाएंगे दर्शन वर्शन करने के लिए। वैसे फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आनंदित है बिल्कुल। हाँ, आध्यात्मिक तो आप देख ही रहे हैं, अच्छा मन है, तभी सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यहाँ खाने के लिए अगर बात करें, कौन सी चीज अच्छी खाने को मिलती है, कुछ फेमस डिश अगर जानते हो आप बताएं? मथुरा का पिठा है, पेड़ा है यहाँ का फेमस, नाम सभी से सुनते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये यहाँ पर हमारे साथ कुछ दर्शनार्थी थे।